हमारे फ्यूचर को तबाह मत कीजिए प्लीज, हमारे फ्यूचर को तबाह मत कीजिए। और परीक्षा पे चर्चा ये नहीं है सर, मोदी साहब बोल रहे परीक्षा पे चर्चा, क्या ये परीक्षा पे चर्चा है? आप आओ फिर गवर्नमेंट की बुक्स बोलो पढ़ने के लिए बच्चों को, वो बुक्स जिनमें आपने कंटेंट कुछ नहीं रखा है, जिसमें 2020 की पॉलिसी में आप बोल रहे हो फाउंडेशनल ईयर्स, ये फाउंडेशनल ईयर्स में दे रहे हो आप जो 2005 का है, प्लीज अपडेट देम एंड इट्स नॉट गुड फॉर आवर स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, रबिशा लिसा ग्रीवाइसिल लियाम दिबहलुल उक्तम बिलिसान। We are here to raise our voice against JK books. Why we are raising our voice? The first thing is, see, before prescribing any book, there are certain rules and regulations. First, I will show you the preface of the JK book. Preface is based on 2005. We are following the education policy of 2020 and NCF of 2022 in the era of 2024. आप जो चीज एक्सपर्ट चीज आप किसी भी चीज को सर्व करोगे वो तो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल वो नुकसानदेह है। आप देखिए, आप मैं आपको ये कर रही हूँ कि आप प्लीज कैमरा यहाँ की ओर कीजिए। दिस इज एनसीएफ फ्रेमवर्क अकॉर्डिंग टू द 2005, तब से ये बुक बिल्कुल अपडेट नहीं की गई है। तो क्या आप यही हमारे बच्चों को दे रहे हो जो डिजी वर्ल्ड के बच्चे हैं? क्या तब से कोई चेंज नहीं आई है? प्रीफेस, प्रीफेस और फॉरवर्ड, एक दो चीजें ऐसी चीजें होती हैं जिनसे आप ट्रस्ट गेन कर सकते हो, एक बच्चे का भी, एक टीचर का भी और एक पेरेंट का भी। अनफॉर्चुनेटली जो आज तक ये पढ़ा रहे थे उनको ये वॉइस रेज करनी थी, क्या पता उनके पेरेंट्स, उनके वालिदीन जो उनके पास पढ़ रहे थे, गवर्नमेंट स्कूल्स में हमेशा वो बच्चे पढ़ते हैं जिनके वालिदीन के पास पैसे नहीं होते हैं उनको प्राइवेट स्कूल में भेजने के लिए, उनको बुक्स खरीदने के लिए। 300 आप बोलते हो वो बुक है जो हमारी प्राइवेट स्कूल्स में बुक प्रिस्क्राइब, वो महंगी है, लेकिन आप देखो क्या ये सही है? सस्ता इतना है कि आपने 2005 से इसको अपडेट ही नहीं किया। आप कैसे क्रेडिटेबिलिटी दिखा रहे हो? आप कैसे ट्रस्ट गेन कर सकते हो एक टीचर का, एक उस वालिदीन का जो पढ़ा लिखा है? दूसरी बात, यू सी द कंटेंट्स फॉर 2000, आजकल के बच्चे कंटेंट चैप्टर का जब भी लिया जाता है तो बुक का जो टॉपिक ऐसा होना चाहिए कि बच्चे को पहले समझ आना चाहिए कि इसमें मुझे लर्निंग लेवल क्या है, मुझे लर्निंग आउटकम क्या है। जब बच्चे को आप बिल्डिंग विद ब्रिक्स टिक 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 ऐसे सिकल बेस्ड सब्जेक्ट में बोलोगे तो क्या बच्चा इसकी तरफ माइल हो सकता है? क्या वो पढ़ेगा ये? हाँ, कुछ जर्नलिस्ट बोल रहे हमारे दौर में हमने ऐसी बुक्स पढ़ी है, हमने लिखा है, तब तो ये दौर नहीं था, तब तो कोविड भी नहीं था, तब तो यूटी भी नहीं थी। आप देखो हमारे बच्चे आजकल के बाहर के बच्चों के साथ उनको कम्पीट करना है। मैं वालिदीन, वो वालिदीन जो बोलते हैं 300 रुपए वो बुक महंगी है, लेकिन आप देखो ये आपके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है आपके बच्चों के लिए। आप देखिए, मैंने अपने बच्चे को लास्ट ईयर पढ़ाया, लाइन एक ऐसी चीज है जो हम दोनों साइड से एक्सटेंड कर सकते हैं। इसमें लाइन दिखाई गई है जिसके पिक्चर सेम एज लाइन सेगमेंट है, तो मैं इस बच्चे को क्या जवाब दूं? मेरा बच्चा मुझे बोल रहा है ये तो लाइन है, बट लाइन तो दोनों साइड से एरोज होते हैं, आपने मुझे इस बार में फिर से उसको क्या पढ़ा रही हूँ? क्योंकि वी आर इन द अपडेटेड नॉलेज। कुछ पेरेंट्स है जो इंटरनेट नहीं सर्च कर सकते, उनके पास एक रेफरेंस होती है, ये एक बुक होती है। आप देखिए, मैं उन गवर्नमेंट टीचरों से बोल, क्या आपके बच्चे तो अब तक सफर नहीं कर रहे थे? क्या आपने अब तक नहीं देखा कि ये दौर जो हम चला रहे हैं क्या ये वही दौर है जो 2005 का है? क्या आपको वही चीजें दी गई है? आप देखो, हम रोड्स की डेवलपमेंट देखते हैं, हम बोलते हैं रोड्स को डेवलप करो, बाकी चीजों को डेवलप करो। क्या बुक आप 2005 की सर्व करना चाहते हो एक बच्चे को जो हमारा फ्यूचर है, जिसके लिए हम पूरी जिंदगी ये करते सर्व करते हैं?